सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा था जो नैनीताल बैंक के क्लर्क्स की वैकेंसीज हैं उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों का मुझसे पूछना था कि सर, पीओ की वैकेंसीज तो आउट हो गई इस बार, एमटी की वैकेंसीज तो आई नहीं है अभी तक, डायरेक्टली पीओ की वैकेंसीज आ रखी हैं, तो क्या अब क्लर्क की वैकेंसीज इस साल आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बैंक की वेबसाइट में फिलहाल जो पीओ की वैकेंसीज हैं उसके लिए जो डेट्स आई थी उसी के बारे में मेंशनड है, और इस बार एमटी की वैकेंसीज भी आएंगी या नहीं आएंगी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रहता है। वैसे मेरे ख्याल से क्लर्क्स की वैकेंसीज आनी चाहिए, हर साल आती हैं, बट इस बार क्योंकि पीओ की अलग से आ गई हैं तो लेट्स सी कि एमटी की रिवील होती हैं या नहीं होती हैं वैकेंसीज, या क्लर्क की वैकेंसीज होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि दोनों का पेपर एक ही सिंगल दिन में होता था। तो अब ये कहना मुश्किल है कि वैकेंसीज इसमें क्या रहेगा, किस तरीके से रहेंगी। तो लेट्स सी गाइस, फिलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रिवेलेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, बट फिलहाल आप नैनीताल बैंक पीओ की वैकेंसीज के लिए ट्राई करिए, तैयारी रखिए अपनी, इंटरव्यू तक जाइए। इंटरव्यू में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और एग्जाम लेवल मैंने आपको बता ही दिया है नैनीताल बैंक का किस तरीके से रहता है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।